कि आज कोई भी रथ वे मेरा जो चार घोड़ा वे नहीं अपने रथ रहा तीन घोड़ा चल दिया चौथो घोड़ो आज जुत गयो अपने। और मैं गारंटी दे दूर सिंह जी ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते, हार गए तो मेरी मुँह से माए बाल मुंडा के यहाँ खड़ा हो जाऊंगा चौक में। हम चुनाव उसी के सामने लड़ रहे हैं जो हर चुनाव की जीत में हमें अपमानित करके अपनी गलियों के अंदर से जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमें नीचे दिखाने के लिए हमारे बीच में से पूरी रैली निकाल के ये लोग निकले, वो लोग हैं उनको हराना है अपने को। अरे पहली बारी चुनाव लड़ियो निर्दलीय और 24,000 वोट दिलाया कांग्रेस दूजो नंबर मारो आयो और वह जो 24,000 वोट आप मने दिया मेरे वजह में राजनीति में आपरे ताकतरी वजह में बढ़ियो और अगला चुनाव में हरिंदर मिर्दा कांग्रेस से 8,000 वोटों जीत रापा निकलिया। और ज्योति जी आपको बताना चाहूंगा यहां पर खींवसर के अंदर हमारे जो पोलिंग बूथ है 95% वोट मेरे को पड़े 95। और आज मैं अपने कांग्रेसा कई वोटर है, मैं मुसलमान समुदाय ने मैं शेड्यूल कास्ट ने मैं सबने कहूं कि ये चुनाव अपन सबका है, अपने गांव के विकास का है, अपने गांव के मान सम्मान का विकास का है। आप कृपया करके एक चुनाव के लिए एक दिन के लिए आप कांग्रेस वांग्रेस की पूंछड़ी छोड़ के ये छोड़ दो। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को फोन किया था रात को और मुझे बोला खींवसर साहब ये चुनाव जो है इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, मैं आपके भरोसे मैं आपको जिम्मेवार कर रहा हूं। तो देखो मारे जी को है नहीं, आज जो मारो कैबिनेट मंत्री तो पद है, आज मैं सीनियर मोस्ट मंत्रियों में हूं, मारो कद मत गिराई जो भाई तो मैं कहूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कॉलेज दिया। और ज्योति जी और रहमत जी आप ये बात सुनो, जब बजट के अंदर कॉलेज दिया तो दो हमारे विधायक गए, हमारे श्रीराम जी भीचड़, उन्होंने कहा मैडम मेरे मकराना की जो आबादी है 1,25,000। मान सिंह जी किनसरिया बोले कि हमारे मेरे पर्वतसर की आबादी है 75,000, उस टाइम अपनी आबादी थी 20,000, कि मैडम ये अन्याय है आपने 20,000 को कॉलेज दे दिया हमें नहीं दिया। वसुंधरा जी ने मुझे बुलाया कि देखो यार ये तो अन्याय हुआ बहुत ज्यादा, अब एक काम करो अब कल इनको दे दूं, अगली बजट में दे दूंगा। मैंने कहा मैडम दुकान पे एक कार्ड लगा होता है बिका हुआ माल वापिस नहीं लिया जाता है। कॉलेज, स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल कोर्ट, अब एक चीज की कमी रहेगी हवाई अड्डा। अब यूं है, अबे देखो जमीना रा भाव भी खूब बढ़िया को नहीं बढ़िया, मजा आ रही है। अब सुनो मारी बात, ए सेठ जी खड़ा है जगदीश जी सुनो, अब थोड़ा पैसा ले आपरी रिंग रोड बन रही है बटे जमीना खरीदो, बालाजी रो मंदिर है नी बहुत बड़ी चौड़ी सड़क बालाजी मंदिर हूं आपने नारवा रोड ने कट करती हुई रिलायंस आगे निकली और बटे हूं आपने 100 और 220 जीएसएस ने ज्वाइन करेला, समझ गया नहीं, वह डबल रोड हो जावेला और पूरी रिंग रोड बन जाएगी आपने एक नंबर।